लाइक करना मत भूलिएगा, दिल बड़ा है तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अब मैं ट्रिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं। और जो ट्रिक और जो चीजें मैं बताने वाला हूं उसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सेशन मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से सेशन को शुरू करते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, तुम लोग बिल्कुल तैयार हो मुझे दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले लेट्स बिगिन, क्या करने वाले हम लोग, लेट्स स्टार्ट द सेशन। कॉपी पेन लेके बैठना, ठीक है। पहले क्या करने वाले हैं, ट्रिक टू ड्रो द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग किसी भी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करें, साथ साथ में उसकी बेसिसिटी का कैसे पता करें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद, ये हम पता करेंगे। तो टोटल दो कॉन्सेप्ट है जो अभी हमें करने हैं, एक तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, दूसरा बेसिसिटी का कैसे पता करें, ये दोनों चीजें अभी हमें करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से ट्रिक। अब मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो किसी भी ऑक्सो एसिड में ना, आप लोगों को कैसे ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे मैं आपको बताता हूं। आपको ऑक्सो एसिड मिलेंगे ऐसे जिसमें एक फॉस्फोरस होगा, आपको ऑक्सो एसिड मिलेंगे ऐसे जिसमें दो फॉस्फोरस होंगे, ध्यान से सुनना। आपको ऐसे ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे जहां पर एक फॉस्फोरस होगा, आपको ऐसे ऑक्सो एसिड्स मिलेंगे जहां पर दो फॉस्फोरस होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक फॉस्फोरस के लिए बेसिक कॉमन यूनिट है HPO2। मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अगर किसी भी कंपाउंड में मैं पहले आपको लिस्ट दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए। ये लिस्ट है, ये ऑक्सो एसिड्स का लिस्ट है, जरा आप ध्यान से देखो। ये फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स का लिस्ट है, आप देखो, ये देखो लिस्ट दिखा रहा हूं। कौन कौन सा है, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, 6 तरह के ऑक्सो एसिड है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करो। ऐसे ऑक्सो एसिड जिसमें एक ही फॉस्फोरस है, कौन कौन से हैं, ये वाला और ये वाला। अच्छा ऐसे ऑक्सो एसिड जिनमें दो फॉस्फोरस है वो नीचे वाले हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब मैं ट्रिक अलग अलग बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको इनके लिए, तो आपको क्या याद रखना है, इनके लिए बेसिक कॉमन यूनिट कौन सी है, H2, ठीक है, P2 एंड O2, ये बताएं H2P2O4, ठीक है। और इनके लिए कॉमन यूनिट है, इसका मतलब समझाऊंगा, पहले तो ट्रिक पकड़ लो। इसके लिए कॉमन यूनिट है HPO2। तो पहले तो एक फॉस्फोरस के लिए जो कॉमन यूनिट है वो HPO2 है, दो फॉस्फोरस वालों के लिए जो कॉमन यूनिट है वो H2P2O4 है। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, इसका मतलब क्या है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो ट्रिक ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा ऑक्सो एसिड है जिसमें एक ही फॉस्फोरस है तो उसके लिए कॉमन यूनिट है HPO2, और अगर जिसके पास दो फॉस्फोरस है उसकी कॉमन यूनिट होगी H2P2O4। मैं एक बात बता देता हूं, सारी चीजें देखोगे तभी पूरा प्रॉपरली समझ में आएगा, आधा अधूरा मत देखना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं इस बेसिक यूनिट को बना के बताओ। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि HPO2 को खुद से बना के बताओ। HPO2 को कैसे बनाओगे मैं आपको सिखा रहा हूं, जरा आप उसको चेक कर लेना कि इसको बनाते कैसे, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं येलो कलर ले लेता हूं। अच्छा मुझे सिर्फ HPO2 को ड्रॉ करना है तो कैसे करूंगा, एक फॉस्फोरस है, दो ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ऑक्सो एसिड वो होते हैं जहां पर सेंट्रल एटम होता है, उसके साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, यस, और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच होता है। क्या ये हार्ड था, क्या आप H2P2O2 की यूनिट को बना सकते हो? तो ये आपकी, जब आपको बोलता हूं कि H2P2O4 HPO2 की यूनिट का स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे, तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर जिसमें एक फॉस्फोरस होएगा, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच होएगा, एक ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ और फॉस्फोरस के साथ ऐसे बाहें पसार के बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि चलो H2P2O4 इसको कैसे ड्रॉ करोगे, तो सिंपल तरीका है। इसमें है क्या, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें HPO2 की दो यूनिट है, HPO2 की दो यूनिट है। बस आपको क्या करना है, इसको कैसे बनाओगे, सेम तरीका है, एक फॉस्फोरस लगाओ, एक ऑक्सीजन लगाओ, एक ऑक्सीजन ऐसे लगाओ और एक हाइड्रोजन लगाओ, इतना तो याद कर लोगे, सेम ही तो है। और उसका प्रतिबिंब यानी कि उसकी मिरर इमेज सामने बना दो, मतलब एक फॉस्फोरस लगाओ, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगाओ, यहां पर एक ऑक्सीजन लगाओ और एक हाइड्रोजन लगा दो, इसकी मिरर इमेज बना दो। ये हो गया ना ये हो गया ना यहां पर H2P2O4 बन गया ना, ये देखो दोनों को, इतना काम कर लोगे, इतना काम कर लोगे, जो जो कर लेंगे वो लिख देना कि हाँ सर इतना काम तो कर लेंगे। तो HPO2 को कैसे बनाओगे, एक फॉस्फोरस डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ। अगर मैं बोलूं H2P2O4 को बनाओ तो कुछ नहीं है, HPO2 की दो यूनिट है, एक यूनिट बना के उसकी मिरर इमेज सामने बना दो, बस इतना सा काम करना है। अब इतना सा काम तो तुम कर लोगे यार, सारे
चैंपियन हो। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आपको देखना है कि भैया उसमें एक फॉस्फोरस है कि दो फॉस्फोरस है। एक फॉस्फोरस के लिए आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है और दो फॉस्फोरस के लिए स्ट्रक्चर, तो सेम ही है, मैंने कुछ भी नहीं किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। दूसरा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मतलब आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है कि अगर एक ही फॉस्फोरस है तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है, और अगर दो फॉस्फोरस है तो आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिरर इमेज की जैसे बना देनी है, क्योंकि स्ट्रक्चर इसी से बनेगी। बड़ा मजेदार है, आपको मजा आ जाएगा, मैं बना के दिखाऊंगा आपको। अच्छा, दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों ये याद रखनी है, अगर यहां पर लिखा हुआ है जरा आप ध्यान से चेक करना जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर एक फॉस्फोरस है तो आपको क्या करना है, पूरे कंपाउंड में से जो भी आपको कंपाउंड दिया होगा उसमें से HPO2 की यूनिट को माइनस करना है। आपको शुरू में हार्ड लगेगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। 786 बच्चे हो चुके हैं। अगर आपको एक ही फॉस्फोरस दे रखा है तो पूरी यूनिट में से HPO2 माइनस करो, और अगर दो फॉस्फोरस दे रखे हैं तो पूरी यूनिट में से H2P2O4 को माइनस करो। और एक और चीज आपको याद करने लायक है कि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, जिसमें से वो 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड वो ऑलरेडी OH के साथ बना चुका होगा, तो वो 2 और बॉन्ड बना सकता है। मतलब फॉस्फोरस कभी भी 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है। अगर आपको स्ट्रक्चर बनानी है, छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है? एक फॉस्फोरस 5 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता है, और अगर एक ही फॉस्फोरस है पूरे कंपाउंड में तो आप HPO2 की यूनिट को अलग करोगे, दो फॉस्फोरस है तो H2P2O4 की यूनिट को अलग करोगे। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, ट्रिक को याद करो जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप लोगों को किसी भी ऑक्सो एसिड की बेसिसिटी निकालनी है, उसका मतलब क्या है कि भैया वो कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, और हाइड्रोजन कौन से रिप्लेस होंगे जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं स्ट्रक्चर के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, किसी ऑक्सो एसिड का बेसिसिटी का मतलब होता है कि कितने हाइड्रोजन आप अलग कर सकते हो, और हाइड्रोजन कौन से अलग कर सकते हो जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे। याद रखना, ऑक्सीजन के साथ अटैच होने वाले हाइड्रोजन को ही आप अलग कर सकते हो। अब जितने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई करते हैं, लेट्स डू इट। तो मैंने आपको क्या सिखाया, पहले तो मैंने आपको सिखाई कि देखो एक फॉस्फोरस वाले के लिए बेसिक यूनिट क्या होती है, HPO2। दो फॉस्फोरस वाले के लिए बेसिक यूनिट क्या होती है, HPO2 होल ट्वाइस। मैंने आपसे कहा कि अगर एक ही फॉस्फोरस है जो भी कंपाउंड है उसमें से HPO2 माइनस कर देना, दो फॉस्फोरस वाले उसमें क्या माइनस करोगे, HPO2 की होल ट्वाइस माइनस कर देना। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूं, लेट्स डू इट, मजा आ जाएगा, ध्यान से देखना। चलो, तो अभी आपके सामने ना ये सारे कंपाउंड है, ठीक है? अब मैं इसको अप्लाई करता हूं, मैं जो जो चीजें बताया हूं उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे जरा आप ध्यान से देखना, और है बड़ा आसान, अगर आप देख लोगे तो आपको प्रॉपरली वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो देखो आपके सामने ना ये सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है? अब इन कंपाउंड्स में जो जो मैं बोला हूं मैं सारे काम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। येलो कलर ले लेता हूं, चलो व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट कलर ले लिया। सबसे पहले आप लोग मुझे बताइए कि ये क्या है, ये एक फॉस्फोरस वाला कंपाउंड है तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, HPO2, वो इसमें से माइनस कर दो। अगर मैं यहां से HPO2 माइनस कर दूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां से HPO2 माइनस कर दूं, मतलब मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं, एक फॉस्फोरस निकाल दूं और दो ऑक्सीजन निकाल दूं, तो पीछे क्या बचेगा आप लोग मुझे बताइए। यहां पर दो हाइड्रोजन बचेंगे और एक ऑक्सीजन बचेगा, तो ये H2O पीछे बच रहा है, ठीक है? जिसे हमें स्ट्रक्चर में अरेंज करना होगा, ध्यान से देखना जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब आ जाओ, अगर सिंगल फॉस्फोरस वाला कंपाउंड है तो इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी, HPO2। अगर मैं इसमें से HPO2 निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा मुझे बताओ, अगर सिंगल यूनिट है, अच्छा दो ऑक्सीजन निकाल दिया, ऊपर ऑक्सीजन नहीं बचेगा, आई एम सॉरी, हाइड्रोजन बचेगा। देखो एक हाइड्रोजन निकाल दिया, एक फॉस्फोरस निकाल दिया और दो ऑक्सीजन निकाल दी, तो यहां से दो ही हाइड्रोजन बचेंगे ना, ऑक्सीजन तो बचेगी नहीं, तो ऊपर वाली यूनिट में सिर्फ क्या दिखेगा आपको, H2, ठीक है? ये करेक्शन कर दी मैंने। अब आ जाओ आप नीचे वाली यूनिट में से आप HPO2 माइनस करो, अगर इसमें से HPO2 माइनस करोगे तो एक हाइड्रोजन निकाला तो दो हाइड्रोजन बचेंगे, फॉस्फोरस आप पहले ही निकाल चुके, दो ऑक्सीजन निकालोगे तो एक ऑक्सीजन बचेगा, तो इसकी बेसिक यूनिट क्या हो गई, आप HPO2 और साथ में H2O। अच्छा अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट में क्या है, एक ही फॉस्फोरस है, इसमें से भी आप लोग HPO2 को माइनस करो, HPO2 को अगर आपने यहां से माइनस किया तो कितने बचेंगे आप लोग मुझे बताओ, एक हाइड्रोजन हट गया तो दो हाइड्रोजन बच गए, फॉस्फोरस आपने हटा दिया है, दो ऑक्सीजन हटाए तो दो ऑक्सीजन बच गए, तो H2O2। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ऊपर वाली यूनिट में हाइड्रोजन बचेगा, इसके नीचे वाली यूनिट में H2O बचेगा, इसके नीचे वाली यूनिट में H2O2 बचेगा, जिन्हें हमें स्ट्रक्चर में अरेंज करना होगा। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे क्या मतलब है। अच्छा अब नीचे वाले में आ जाओ, मैंने कहा था जहां पर दो हाइड्रोजन होंगे उनकी बेसिक यूनिट क्या होगी, उनकी बेसिक यूनिट होगी H2P2O4, है ना? उसका जस्ट डबल माइनस करना है, तो करके दिखाओ, दो हाइड्रोजन निकाल दो तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, दो, दो फॉस्फोरस निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा, चार ऑक्सीजन निकाल दो तो एक ऑक्सीजन बचेगा, समझ में आ गया, H2O बच रहा है।
अच्छा इस यूनिट में से माइनस कर दूं, मान लो H2P2O4 माइनस करूं, तो आपके पास क्या क्या बचेगा मुझे बताओ। इन दैट केस आपके पास देखो दो हाइड्रोजन बचेंगे, फॉस्फोरस बचेगा नहीं, और दो ऑक्सीजन बचेंगे। आ रहा है समझ में? और अगर मैं बोलूं चलो सबसे नीचे वाले में से H2P2O4 माइनस करके बताओ, H2P2O4 माइनस करके बताओ, तो यहां पर क्या बचेगा आप लोग मुझे बताओ? दो हाइड्रोजन बचेंगे, ठीक है, फॉस्फोरस चला गया, और तीन ऑक्सीजन बचेंगे जिनको आपको जोड़ना होगा। तो ये आपको क्या है ना, आपने फिल्टर कर लिया। ये तो इसकी स्ट्रक्चर तो आप पहले से जानते हो, ध्यान से सुनो, इनकी स्ट्रक्चर्स तो आप पहले से जानते हो, आपको सिर्फ इनको, इन एटम को अरेंज करना होगा। तो अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे होता है। तो ओवरऑल इस यूनिट में आपके पास हाइड्रोजन बच रहा है, समझ में आ गया? ये सारी चीजें ध्यान से देख लो, इस यूनिट में आपके पास हाइड्रोजन बच रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इधर हाइड्रोजन बचेगा, इधर H2O बचेगा, इधर H2O2 बचेगा, इधर H2O बचेगा, इधर H2O2 बचेगा, H2O3 बचेगा। और इनकी स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। ये कॉलम नंबर जो आपके पास A है, इसकी स्ट्रक्चर जानते हैं। कॉलम नंबर B को आपको अरेंज करना है, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करते हैं। तो अब मैं सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दिखाता हूं और आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। मजा आपको तभी आएगा जब आप ध्यान से देखोगे, ठीक है? तो देखो स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो मैंने आपको अभी तक सिखाया। अब देखो याद करना कितना आसान होगा, फिर इसकी नेमिंग भी याद कराऊंगा आपको कैसे याद होता। चलो तो सबसे पहले हमारे पास है H3PO2। मुझे H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाऊंगा H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। H3PO2 की बेसिक यूनिट क्या है, अभी मैंने बताई थी आपको, इसमें से HPO2 माइनस करना है। अगर मैं HPO2 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ दो हाइड्रोजन। अब बताओ आप HPO2 की तो पहले से ही आप स्ट्रक्चर जानते हो, क्या होता है, एक फॉस्फोरस लगाओगे, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगाओगे, समझ में आ गया, एक ऑक्सीजन आप ओ और उसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दोगे। ये तो आप पहले से ही जानते हो, मैंने आपको सिखाया था HPO2 की स्ट्रक्चर आप पहले से जानते हो। अब आप बताओ मुझे, अगर आप लोगों को ये दो हाइड्रोजन जोड़ने हैं तो किधर जोड़ोगे? आपको पता है कि फॉस्फोरस टोटल 5 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, आप ध्यान से देखो, दो बॉन्ड ये रहे, एक बॉन्ड ये रहा। तो अब दो ही हाइड्रोजन बचे हैं और दो ही बॉन्ड उसे बनाने हैं, तो क्या करोगे आप, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दो, ये स्ट्रक्चर हो गई। क्या ये हार्ड था? मतलब वो दोनों हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली जुड़ेंगे, वो दोनों हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्टली जुड़ेंगे, कितनी अमेजिंग चीज थी। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो इसकी स्ट्रक्चर हो गई, समझ में आ गया? अब मैं अगर आपको कहूं कि बताओ चलो इसकी बेसिसिटी बताओ, अब बेसिसिटी कितनी होगी? बेसिसिटी का मतलब क्या होता है कि कितने वो हाइड्रोजन दे सकता है, मतलब उसके पास अगर मैं कहूं कि कितने OH ग्रुप है, डायरेक्टली बोलूं तो उसके पास सिर्फ एक ही OH ग्रुप है। देखो उसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप है, तो इस हिसाब से उसकी बेसिसिटी कितनी हुई, एक। तो यहां पर बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ OH ग्रुप, लिख लो बेसिसिटी का मतलब क्या है, बेसिसिटी का मतलब है नंबर ऑफ OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप, ये उसका मतलब है। तो यहां पर एक ही OH ग्रुप है तो उसकी बेसिसिटी एक ही हुई। अप्लाई करके दिखाता हूं और भी मजा तभी आएगा। तो फाइनली आपको मालूम पड़ेगा कि बेस की स्ट्रक्चर क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर है, दो हाइड्रोजन सीधे फॉस्फोरस के साथ जुड़ेंगे। अब कई लोगों को लगता है सर ये तो बहुत आसान था, आपने क्रिटिकल बना दिया, पर ये आसान हो जाएगा जब आपके पास बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर आएंगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। नेक्स्ट है आपके पास H3PO3, मैं बोलूं इसकी बेसिक यूनिट हटा दो, बेसिक यूनिट क्या है, HPO2 इसकी बेसिक यूनिट थी, तो पीछे क्या बच जाएगा, H2O। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी स्ट्रक्चर तो आप पहले से जानते हो, तो कैसे जानते हो, आप लोगों ने पहले फॉस्फोरस लगाया, फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन अटैच किया, एक ऑक्सीजन आपने सीधे फॉस्फोरस के साथ लगा के हाइड्रोजन के साथ लगा दिया। ये चीज तो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये यूनिट आपको आती है। अब आपको क्या करना है, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, 5, और आपको क्या चीज बच रही है, ये वाली चीज बच रही है, एक ऑक्सीजन बच रहा है, दो हाइड्रोजन बच रहा है, इसको कैसे लगाओगे, तो वो दो बॉन्ड और बना सकता है और तीन एटम अटैच करने हैं। कैसे करोगे आप, ऑक्सीजन का सहारा लोगे, एक ऑक्सीजन लोगे, उसको हाइड्रोजन के साथ जोड़ दोगे। तो यहां देखो OH ग्रुप लगा दिया, फॉस्फोरस के 4 बॉन्ड हो गए और एक हाइड्रोजन को डायरेक्टली जोड़ दोगे, और तो कोई चारा ही नहीं है, इसके अलावा कुछ कर सकते हो नहीं। फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने, 3 बॉन्ड वो ऑलरेडी बना चुका है, 3 एटम आपको अटैच करने, कैसे करोगे, तो आप एक OH ग्रुप लगा दो और एक हाइड्रोजन लगा दो, ये इसकी स्ट्रक्चर बन गई। अब आ जाओ यहां पर, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो इसकी बेसिसिटी बताओ, इसकी बेसिसिटी कितनी है, अगर आपको मजा आए ना लाइक जरूर कर देना, बेसिसिटी कितनी है, यहां पर होगा वो होगा नंबर ऑफ OH ग्रुप, कितने OH ग्रुप है इसके पास, 2, चेक कर लो, 2 OH ग्रुप है, ये एक OH ग्रुप और ये दूसरा OH ग्रुप, तो यहां पर बोलेंगे इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। सबको समझ में आ गया, तो इसकी बेसिसिटी है 2 मने दुक्का,
और मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, ये इसकी स्ट्रक्चर है, मैं बना के दिखा चुका हूं, बेसिसिटी इसकी दो है। अब आपको मजा आ रहा होगा कि जो हमने ट्रिक सीखी वो कितने काम की है, मैं और अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो मान लो आपके पास H3PO4 होता तो कैसे करोगे, इसमें से सब माइनस करो, चलो इसमें से माइनस करो HPO2 माइनस करो, HPO2 अगर आपने इसमें से माइनस किया तो आपको क्या बचेगा, दो हाइड्रोजन बचेंगे और आपके पास दो ऑक्सीजन बचेंगे, यस और नो, दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन। अब इसकी स्ट्रक्चर तो तुम पहले से जानते हो, क्या जानते हो, एक फॉस्फोरस लगा दो, उसके साथ डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन आप सीधे लगा दो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, पांच, तीन बना चुका है वो, पांच बॉन्ड वो बना सकता है, तीन वो बना चुका है तो दो ही बॉन्ड और बना सकता है, और आपके पास चार एटम है अटैच करने को, कैसे करोगे, कोई चारा नहीं आपके पास, आप क्या करोगे, एक ऑक्सीजन लोगे उसको हाइड्रोजन से जोड़ दोगे, एक और ऑक्सीजन लोगे उसको भी हाइड्रोजन से जोड़ दोगे। क्या ये हार्ड था क्या, इसके लिए इसकी समझ करने के लिए क्या आपको शक्तिमान की चट्टी पहननी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर डायरेक्टली आपके पास आंसर आ गया कि यहां पर देखो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। अब मैं अगर बोलूं कि चलो इसकी बेसिसिटी बताओ, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, आप लोग अप्लाई कितने OH बॉन्ड है इसके पास, तीन, तो बेसिसिटी कितनी होगी, तीन। देखो यहां पर तीन OH बॉन्ड है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, तीन। अब देखो और मजेदार बातों पर चलते हैं, तो फाइनली ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये इसकी बेसिसिटी हो गई, सबको समझ में आया, दैट्स रियली कूल। अब मैं आपको एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आते हैं डबल वाले पे, अभी तक तो थे सिंगल वाले, तो सबके ऐसे हो रही थी, ये तो आता है, ये तो आता है, ये तो आता है। अब निकलेंगे आपके पसीने जब आपके पास ये होगा। अब मेरी ट्रिक आपको बहुत मजेदार में काम आएगी, कैसे, देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले कितने फॉस्फोरस हैं, दो, तो उसमें से क्या माइनस करोगे आप, माइनस करोगे आप H2, इसकी बेसिक यूनिट माइनस करो, H2P2O4 माइनस कर दो, H2P2O4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, दो हाइड्रोजन बचेंगे, यस और नो, फॉस्फोरस चले गए, एक ऑक्सीजन बचेगा, मतलब आपके पास H2O की यूनिट बचेगी। अच्छा अब इसकी स्ट्रक्चर तो तुम जानते हो, कैसे बनानी है आपको, यहां पर प्रतिबिंब में यानी कि मिरर इमेज में फॉस्फोरस लगाना है, एक फॉस्फोरस लिया उसको ऑक्सीजन से अटैच किया, एक ऑक्सीजन लिया यहां पे और उसको हाइड्रोजन से अटैच कर दिया। ध्यान से देखना, बड़ी मजेदार है, इसकी मिरर इमेज बनाओ। इसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे, एक फॉस्फोरस लिया, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगाया, यही तो काम की चीज थी, और बेवकूफ ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो काम की चीज पे भाग गए, जब काम की चीज आई तो भाग गए, तो क्या करेंगे बेटा आप, अब तो मेन चीज थी, ये ऑक्सीजन लिया और ये हाइड्रोजन लिया। तो देखो मैंने आपसे क्या कहा था, H2P2O4 के लिए आपको HPO2 की दो इमेज, दो आप लोगों को मिरर इमेज बनानी है, बना दी। अब आप मेरे पास एक बात बताओ, एक फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बनाता है, एक फॉस्फोरस टोटल पांच बॉन्ड बनाता है। आपके पास अब बचा है सिर्फ एक, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है H2O, और इन दोनों यूनिट को जोड़ना भी होगा, तो जोड़ोगे कैसे आप बताओ, कि अगर इन दोनों यूनिट को मुझे जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, दो हाइड्रोजन है तो क्या चॉइस है आपके पास, आपको इन दोनों को यूनिट को जोड़ना भी है और फिर दो हाइड्रोजन भी है, कैसे जोड़ोगे मैं बताता हूं। पहली बात तो ये जो दोनों यूनिट है वो किससे जुड़ेंगी, ऑक्सीजन से, यस और नो, ये दोनों यूनिट ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगी, समझ में आ गया। अब फॉस्फोरस से देखो, इस फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बना लिए, चार, इस फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बना लिए, चार, दो हाइड्रोजन बच रहे, कैसे करोगे, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा दो, खत्म हो गई कहानी, सबको याद आ गई नानी। तो ये उसकी स्ट्रक्चर है, कितना आसान है, एक ऑक्सीजन सा, आपको दोनों यूनिट को जोड़ना भी तो है, हवा में थोड़ी लटकी रहेगी, तो ऑक्सीजन से जोड़ दिया, फिर आपके पास दो हाइड्रोजन से डायरेक्टली लगा दिए। अब मैं अगर पूछूं इसकी बेसिसिटी बताओ, इसकी बेसिसिटी कितनी है इस यूनिट की, तो बताओ OH बॉन्ड कितने हैं यहां पर, OH बॉन्ड देखो, एक OH बॉन्ड ये रहा, समझ में आ गया, दूसरा OH बॉन्ड ये रहा, तो इसकी बेसिसिटी तो दो निकल के आई, तो यहां पर क्या होगा, ये दो, बेसिसिटी इसकी दो होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कितना बढ़िया तरीका था, चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो देख लो आपके सामने ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, मैंने आपको बना के दिखा दिया, एक ऑक्सीजन सा, दोनों यूनिट को जोड़ना भी तो पड़ेगा, तो वो ऑक्सीजन से जुड़ेगी, दो हाइड्रोजन थे तो दोनों हाइड्रोजन मैंने नीचे लगा दिए, तो आप देख लो आपके सामने OH ग्रुप कितने हैं, दो, बेसिसिटी कितनी हो गई, दो। एक और पे अप्लाई करते हैं और मजा आ रहा है, चलो तो अब इस पे अप्लाई करते हैं। अब इस पे कैसे करोगे, सपोज करो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि H2P2O6 दो फॉस्फोरस है, यहां से आप क्या करो, पहले माइनस करो, क्या माइनस करोगे यहां पर, H2P2O4 माइनस करोगे, इसकी बेसिक यूनिट को माइनस करोगे, क्या बचेगा आपके पास, दो हाइड्रोजन बचेंगे, यस और नो, ऑक्सीजन कितने बचेंगे, दो ऑक्सीजन बचेंगे। अब देखो दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से मुझे एक बात समझ में आती है, क्या समझ में आता है, कि यहां पर दो OH ग्रुप है,
दो एच ग्रुप है, येस और नो, आप लोग मुझे बताओ दो एच ग्रुप है कि नहीं है यहां पर। मजेदार है ना, दो एच ग्रुप है। चलो तो सबसे पहले तो आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओ। H2P2O4 की स्ट्रक्चर आपको पता है, दो मिरर इमेज बनानी है आपको। कैसे? एक फॉस्फोरस ले लो, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से लगाओ, और ये पूरी यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक ऑक्सीजन लो, एक हाइड्रोजन लो, समझ में आया? इसकी मिरर इमेज बनाओ, ये एक फॉस्फोरस लो, एक ऑक्सीजन लगाओ। मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी चीज आपको कहां देखने को मिलेगी। एक ऑक्सीजन लो, एक हाइड्रोजन लो, लगा दी मिरर इमेज बना ली, तो इसका मतलब ये तो बन गया। अब आपको सिर्फ दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन को आपस में, मतलब दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन को यहां पे लगाना है, और फिर इन दोनों यूनिट को जोड़ना है। अब हमारे लिए देखो, आप जो भी करोगे ना, आप दोनों के लिए सेम सेम करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक यूनिट के लिए अलग कर दो, दूसरे के लिए अलग। तो इन दैट केस क्या केस बनता है? आपके पास दो यूनिट है OH की, क्या करोगे? एक एक बांट दो। आप एक यूनिट इसको दे दो OH वाली, एक यूनिट इसको दे दो OH वाली। अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करोगे? डायरेक्टली जोड़ो इनको, कोई चारा नहीं है, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो H4P2O6 में फॉस्फोरस दोनों कैसे जुड़ते हैं? एक साथ जुड़ जाते हैं। समझ में आता है? कितना अमेजिंग है भाई। आपके पास देखो H2O2 यानी कि दो OH की यूनिट थी। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं एक के साथ पार्शियलिटी करूंगा, दूसरे को छोड़ दे दूंगा। ऐसा भी तो बोल सकते हैं, इसको हाइड्रोजन दे दो सर, इसको OH दे दो, बीच में एक ऑक्सीजन से जोड़ दो। ऐसा नहीं होगा, आपको दोनों यूनिट को क्या करना पड़ेगा? बराबरी का हक देना पड़ेगा, नहीं तो वो लड़ाई करने लगेंगे। तो मैंने क्या किया, इस यूनिट को OH दे दिया, इस यूनिट को OH दे दिया, और इन फॉस्फोरस को साथ में जोड़ दिया। अब पता है ये किसी को अंदाजा भी नहीं लग सकता कि H4P2O6 में फॉस्फोरस आपस में जुड़े हुए होते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। समझ में आ गया? अब मैं अगर पूछूं, चलो इसकी बेसिसिटी बताओ, तो इनकी बेसिसिटी क्या होगी? आप लोग मुझे बताओ इसकी बेसिसिटी क्या होगी? कितने OH ग्रुप है इनके पास? एक, दो, तीन, चार। बेसिसिटी कितनी हो गई? चार। तो आंसर क्या आ गया? चार। समझ में आया सबको? तो बेसिसिटी यहां पर चार आएगी। इस तरह से आपको जोड़ना है। यहां पर ये मजेदार चीज है कि यहां पर फॉस्फोरस आप लोगों को जुड़ा हुआ दिखेगा, और जो ये ट्रिक सीख रहा है उसी को ही पता है कि फॉस्फोरस आपस में यहां जुड़े होते हैं, डबल वाले में नहीं। तो नहीं, एक और ट्राई करते हैं। चलो एक और मजेदार ट्राई करते हैं, एक और मजेदार ट्राई करते हैं। चलो H4P2O7, सबसे पहले बेसिक यूनिट को माइनस करो। H4P2O7 में से क्या घटाओगे? ठीक है, क्या घटाओगे आप लोग मुझे बताओ? दो हाइड्रोजन घटाओगे, दो फॉस्फोरस घटाओगे, और यहां पर चार ऑक्सीजन घटाओगे। क्या बचेगा? दो हाइड्रोजन बचेंगे और तीन ऑक्सीजन बचेंगे। सही है? तो आप इसकी तो स्ट्रक्चर जानते हो। क्या करना है इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए? एक फॉस्फोरस ले लो, एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगाओ, एक ऑक्सीजन ऐसे लगाओ। कई लोग बीच में से चले गए हैं, तो जो शुरू से देख रहे हैं उनको तो समझ में आएगा। एक हाइड्रोजन लगा दो, इसकी मिरर इमेज बनाओ, इसकी मिरर इमेज बनाओ। एक फॉस्फोरस लगाओ, एक ऑक्सीजन लगाओ, एक ऑक्सीजन को ऐसे लगाओ, और एक हाइड्रोजन लगाओ। मिरर इमेज बन गई। अब आपके पास क्या है? आपके पास देखो H2O3, ये यूनिट को वहां पर एडजस्ट करना है। तो इससे मुझे ये समझ में आता है कि दो तो OH ग्रुप होंगे और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है। दो OH ग्रुप हैं और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, यही तो मेरा दिमाग तो ऐसे ही चलेगा ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों को बराबर बराबर हक दूंगा। एक OH ग्रुप इसको दूंगा, एक OH ग्रुप इसको दूंगा। मैं पार्शियलिटी नहीं करूंगा, क्योंकि लड़ने लगेंगे दोनों, लड़ाई कर लेंगे, और एक ऑक्सीजन को इन दोनों के बीच में ऐसे ब्रिज बनाने में काम लगाऊंगा, ताकि कोई भी रोए नहीं, ये नहीं कहे कि पापा जी ने पार्शियलिटी कर ली। समझ में आया? सो ये देखो कितना मजेदार है, जिसकी अकल चलती है वो बता देगा कि फॉस्फोरस और दो फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन का ब्रिज बनेगा। अब मैं आपको कहूं कि चलो बताओ कि यहां पर बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी क्या है, कैन यू इमेजिन, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज फोर। यहां पर आंसर क्या बनेगा? फोर। अगर आपको लाइक, अगर आपको वाकई में मजा आया हो कि ऐसी ट्रिक तो हमने पहले कभी नहीं देखी, ठोको लाइक। मैं कह रहा हूं अभी भी, दिल बड़ा रखे, ठोको लाइक। तो ओवरऑल यहां पर फॉस्फोरस के बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा। दिस इज हाउ यू आंसर दिस क्वेश्चन और बेसिसिटी। ये हमारा सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हो गए। अब अपन करेंगे नाम कैसे याद करें। सबसे बड़ी समस्या होती है नाम को याद करने में। छह फॉस्फोरस है, मुश्किल से किसी बच्चे को पूरे नाम याद होंगे, नहीं तो नाम याद नहीं होते। तो मैं नाम याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको। So I'll give you a trick जिसे आप नाम याद कर सकते हो। तो देखो ट्रिक के लिए क्या है। Are you guys ready? Trick to remember the names of oxo acids। अब मैं ट्रिक बताने वाला हूं नाम को याद करने की, ठीक है? क्योंकि नाम नहीं याद होगा, कल को डायरेक्टली नाम आ गया तो आप फंस गए, कुछ नहीं कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूं ट्रिक कैसे होगी। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है जरा आप ध्यान से देखो। ट्रिक ये है, ये मेरी ट्रिक है।
तो लुक एट द ट्रिक जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। मैं आपसे कह रहा हूं आपको यहां पर ट्रिक में फोकस करना है कि भैया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अभी आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस करना है बाकी सब चीजों को छोड़ के। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन इक्वल्स टू थ्री है, लेस देन इक्वल्स टू थ्री, तो आप क्या लिखोगे, फॉस्फोरस। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन इक्वल्स टू थ्री है तो आप फॉस्फोरस लिखोगे। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में फॉस्फोरस की है, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है, अगर वो मोर देन थ्री है तो आप क्या लिखोगे, फॉस्फोरिक। इतना तो अब याद कर लोगे, आप बहुत समझदार हो चुके हो, आपको कोई लाल चड्डी की जरूरत नहीं है। दिमाग में डालो लेस देन इक्वल्स टू थ्री पे फॉस्फोरस लिखूंगा, मोर देन पे फॉस्फोरिक लिखूंगा। पहली चीज तो ये याद करनी है, तो पहली चीज सबको याद हो गई, मैं धीरे धीरे याद कराऊंगा क्योंकि ट्रिक है ये, फर्स्ट चीज है जो आप लोगों को याद करनी है। आई थिंक सबको याद हो गई होगी, दैट्स रियली अमेजिंग। तो पहली ट्रिक क्या है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, अगर वो तीन से कम है, तीन के बराबर है तो फॉस्फोरस लगाओगे, और तीन से ज्यादा है तो फॉस्फोरिक लगाओगे। दूसरी ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक ये है, आगे आपको ना ये नाम लगाने होते हैं, हाइपो पायरो ऑर्थो, तो वो कैसे लगाओगे, तो आपको समझाता हूं। जिसमें ध्यान से देखना, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगी, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम होगी उस पर क्या लगाओगे, हाइपो, ठीक है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी और दो फॉस्फोरस होंगे, ध्यान से सुनना, जिसके पास दो फॉस्फोरस होंगे और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा होगी वहां पर क्या लगाओगे, पायरो। देखो पायरो में पी आ रहा है, पी एक्स्ट्रा लगाया, इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर दो फॉस्फोरस होंगे। इसको अप्लाई करें कैसे करना है मैं आपको सिखाऊंगा। और मान लो कि एक ही फॉस्फोरस है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आप क्या लगाओगे, ऑर्थो। अब अप्लाई कैसे करना है आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो चलो ये ट्रिक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूं। मैंने क्या ट्रिक सिखाई, सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तीन या तीन से कम में फॉस्फोरस लगाना है, तीन से ज्यादा में फॉस्फोरिक लगाना है, इज इट क्लियर। अब मैं आपसे कहता हूं कि सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को क्या देना है, हाइपो। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर दो फॉस्फोरस में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या लगाओगे, पायरो। और एक फॉस्फोरस और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, ऑर्थो। तो बस इतना सा याद करना है, मैं आपको करके दिखाता हूं। चलो सबसे पहले तो ना आपके सामने ये है पूरे, मैंने लिस्ट दे दी आपको कि ये हमारे पास सारे के सारे छे के छे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका ये काम है कि आप लोग इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करो। मैं आपको डायरेक्टली सिखा देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता करो सबसे पहले, जल्दी सी पता करो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं निकाल के दिखाता हूं, बताओ H3PO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं बेटा, मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूं जिसको नहीं आता। देखो यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, दो। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, माइनस का टू चार्ज होता है, ले लिया। हाइड्रोजन कितने हैं, तीन। एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, प्लस का वन, समझ में आ गया। फॉस्फोरस कितने हैं, एक, और फॉस्फोरस का हमें चार्ज निकालना है, एक्स मान लेते हैं। ये कितना है, जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो कितना हुआ, माइनस का चार प्लस का तीन प्लस का एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये मैं सिर्फ एक का निकाल के दिखाऊंगा, बाकी आप इसके तरह से निकाल लेना। तो ये कितना हो गया, प्लस का वन। तो इसका मतलब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉस्फोरस पे प्लस का वन निकालना आसान था वैसे तो, ये प्लस का वन जो कि लेस देन तीन है। सबको समझ में आ गया, अब आ जाओ इसका निकालो। यहां पर देखो तीन दूनी छह में से तीन गया, ये है प्लस का थ्री, यस ये प्लस का थ्री। अब इधर आ जाओ, ये बताओ मुझे, ये आपके पास है पांच दूनी दस, दस में से चार चला गया छह, तो ये भी है प्लस का थ्री। यहां पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, समझ में आया। अब आ जाओ इधर, यहां पर क्या है, छह है, छह दूनी बारह में से चार गया, छह दूनी बारह, बारह में से चार गया आठ, तो प्लस का चार। यहां पर कितना है, प्लस का चार, निकाल के देख लेना। यहां पर निकालो कितना है, ये है प्लस का पांच, ठीक है, चार दुनी आठ में से तीन चला गया पांच। यहां पर कितना है, सात दुनी चौदह में से चार गया, ये भी प्लस का पांच। तो आपको मैंने कहा था कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब आप ध्यान से देखो, ये कितना है, इसका है प्लस का वन, लिख देता हूं। इसका कितना है, प्लस का थ्री। इसका कितना है, प्लस का थ्री। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, ये कैटेगरी आ गई वो वाली जो कि लेस देन इक्वल्स टू थ्री वाली है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉस्फोरस, ये तो मुझे मालूम पड़ गया फॉस्फोरस। ये कौन सी कैटेगरी है, प्लस का फोर प्लस का फाइव प्लस का फाइव, ये कौन सी कैटेगरी में आ गए, ये कैटेगरी है ग्रेटर देन थ्री की। तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फॉस्फोरिक। यहां पर मैं रिक लगाऊंगा, यहां पर फोरस लगाऊंगा, ओ यू एस यूज करूंगा, और यहां पर मैं लास्ट में यूज ओ R E O R I C ओरिक यूज करूंगा लास्ट में, फोरिक। यहां पर फोरस, समझ में आ गया, फोरस फोरिक,
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब मैं क्या करूंगा, लेस देन वाले अलग ट्रीट करते हैं, मोर देन वाले अलग ट्रीट करते हैं। नाम कैसे लिखोगे? तो चलो पहले लेस देन थ्री वालों के नाम लिख लेते हैं, फिर मोर देन थ्री वालों के नाम लिखेंगे। ट्रिक याद रखना, ट्रिक क्या थी? तो चलो लेस देन थ्री वाले ये हैं, आपको मालूम पड़ गया लेस देन थ्री वाले ये हैं। अगर ये लेस देन थ्री वाले हैं तो सबसे पहले तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट में फिर से बताता हूं, इसकी है प्लस का वन, इसकी है प्लस का थ्री, इसकी है प्लस का थ्री। तो इनको ट्रीट कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या लिखोगे? लिखोगे फॉस्फोरस, ठीक है, ये तो लिखोगे फॉस्फोरस, क्योंकि सभी में फॉस्फोरस ही लिखोगे, ठीक है, इसमें सब में फॉस्फोरस लिखोगे। नीचे वाले पे भी क्या लिखोगे? कॉमनली फॉस्फोरस लिखोगे। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि सब में आपको फॉस्फोरस लिखना है, तो सब में फॉस्फोरस लिखो, क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन थ्री है, लेस देन इक्वल्स टू थ्री है, ठीक है। तो सब में फॉस्फोरस लिख दिया, नाम में सब में फॉस्फोरस आएगा, सही है। अब आवा जाओ, सब में आपने फॉस्फोरस लगा दिया, आर ओ यू एस, फॉस्फोरस आपने लगा दिया, तो लास्ट में फॉस्फोरस आ रहा है, ये तो तय हो गया, ये फॉस्फोरस आ रहा है, ये तो तय हो गया, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस हुआ, फॉस्फोरस। अब आगे क्या लगाओगे? अब हमारे पास तीन शब्द हैं, एक तो था हाइपो, ठीक है, एक था हमारे पास ऑर्थो, एक था हमारे पास पायरो। तो कब कब लगाने थे आप लोग मुझे बताओ? सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? इसकी। तो इसमें क्या लगाओगे? हाइपो। सबसे कम वाले में हाइपो लगाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, सबसे कम वाले में हाइपो लगाते हैं। तो इस वाले का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। बताओ कितना इंटरेस्टिंग है, इसका नाम क्या हो गया? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। समझ में आया? चलो अब आप लोग देखो इस वाले में क्या लगाओगे। अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है, जो कि इन सब में हाईएस्ट है, प्लस वन प्लस थ्री, प्लस थ्री में हाईएस्ट कौन सी होती है? प्लस थ्री। समझ में आ गया? अगर मैं देखो, यही जो सेकंड ट्रिक थी ना, वो आपको लेस देन और मोर देन थ्री के हिसाब से करनी है। प्लस वन प्लस थ्री में हाईएस्ट क्या है? प्लस थ्री, और उसमें एक ही फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है, तो इस केस में क्या लगाओगे? ऑर्थो। तो यहां पर लगाओगे ऑर्थो। यही तो मैंने कहा था कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर आप हाइपो लगाते हो, ठीक है, हाईएस्ट सिंगल फॉस्फोरस के लिए ऑर्थो लगाते हो, और हाईएस्ट डबल फॉस्फोरस के लिए आप पायरो लगाते हो, क्योंकि डबल दो दो फॉस्फोरस है, तो आप पायरो, एक फॉस्फोरस एक्स्ट्रा आ गया, तो आप क्या लगाओगे? पायरो। तो कितना आसान है आप लोग मुझे बताइए, सबको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हाइपो, ऑर्थो और पायरो, फॉस्फोरस एसिड, 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 इस तरह से लिखोगे, ये कहानी खत्म हो गई यहां पे। सबको समझ में आया? मैं दोबारा समझा देता हूं, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पे हाइपो लगाना है, ठीक है, हाइएस्ट सिंगल फॉस्फोरस के लिए ऑर्थो, हाइएस्ट डबल फॉस्फोरस के लिए पायरो, खत्म कहानी। अब सेम चीज अपन उस पर भी देखो, ये इनके नाम हो गए जो मैंने आपको सिखाया भी था, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, पायरो फॉस्फोरस एसिड। दैट्स वेरी इजी, याद हो गया सबको, तरीका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन फॉस्फोरस के बाद फॉस्फोरिक वालों पे। तो अब हमें ट्रिक ये याद रखनी है कि भैया हाइपो कहां पे लगाते हो आप? हाइपो लगाते हो किसके ऊपर? लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर। पायरो कहां लगाते हो? जहां पर दो फॉस्फोरस और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। और ऑर्थो कहां लगाते हो? एक फॉस्फोरस और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन उसको डिवाइड करने का तरीका है माइनस लेस देन इक्वल्स टू थ्री और मोर देन थ्री, ऐसे डिवाइड करते हैं। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं मोर देन थ्री पे। अब सबसे पहले तो आपको मालूम पड़ा कि भैया ये तीन से ज्यादा है, तीन से ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आप क्या लगाओगे? सभी में फॉस्फोरिक लिखा जाएगा, तो फॉस्फोरिक सभी में मैं लिखूंगा, फॉस्फोरिक मैंने सभी में लिख दिया। समझ में आ गया? नीचे भी क्या लिखूंगा? फॉस्फोरिक। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है तीन से ज्यादा होगी तो आप क्या लिखोगे? फॉस्फोरिक। फॉस्फोरिक एसिड ये भी होगा, फॉस्फोरिक एसिड ये भी होएगा, ठीक है, और ये भी क्या होएगा? फॉस्फोरिक एसिड ये भी होएगा। आया सबको समझ में? बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा, पूरा देखना तब मजा आएगा। फॉस्फोरिक एसिड ये भी होएगा। अब हमारे लिए कि हम लोग हाइपो कहां पे लगाएं, हम लोग हाइपो कहां पे लगाएं, हम लोग ऑर्थो कहां पे लगाएं, हम लोग पायरो कहां पे लगाएं, ये हमारे लिए समस्या है। तो चलो आओ, सबसे पहले इस ये जो H4P2O6, इनमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। 6 × 12 में से 4 गया 8, तो प्लस का 4 है, ठीक है, इस पे कितना है? प्लस का 5 है लेकिन एक फॉस्फोरस है। यहां पे कितना है? प्लस का 5 है लेकिन दो फॉस्फोरस है। तो सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पे क्या लगाओगे? हाइपो। तो यहां पर मैं लिखूंगा हाइपो, इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि क्या होता है, अगर जिसने ढंग से देखा वो नहीं भूलेगा। एक फॉस्फोरस और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या लगाओगे? ऑर्थो।
ऑर्थो, तो बीच वाला क्या है, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर दो आपके पास फॉस्फोरस हो तो फिर क्या लगाओगे, दो फॉस्फोरस के लिए पायरो, क्या लगाओगे, पायरो। खत्म कहानी, याद आ गई सबको, नानी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इजी बीजी, इट्स वेरी इजी, चक दे फट्टे नब दे गिल्ली, याद हो गया। अब ये याद करने का तरीका था, मजा आया ना। और ऐसी ट्रिक आपको देखो पूरे, मैं गारंटी दे सकता हूँ, यूट्यूब पे सीखने को नहीं मिलेगी। इसलिए कहता हूँ कि ना आप लाइक जरूर करना, बहुत सारे जैसे बच्चे होते हैं जो सीख के लाइक ही नहीं करते, लेकिन 1000 बच्चों ने लाइक कर दिया, दैट्स रियली अमेजिंग। तो H4P2O6, इसको दो कैटेगरी में, नाम लिखोगे तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेना कि भैया वो लेस देन इक्वल्स टू 3 है कि मोर देन 3 है। लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो क्या करोगे, फॉस्फोरस, मोर देन 3 में फॉस्फोरिक। इसमें भी फिर कैटेगरी है, फिर आगे जाके क्या कैटेगरी है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर हाइपो, हाईएस्ट 1 फॉस्फोरस ऑर्थो, हाईएस्ट 2 फॉस्फोरस पायरो। इतनी आसान ट्रिक, नाम लिखने आ गए तो फाइनली इनके नाम क्या होंगे वो मैंने आपको सिखा चुका हूं। इसका नाम होएगा हाइपो, इसका होगा ऑर्थो, इसका होगा पायरो, तीनों के नाम आपको समझ में आ गए, दैट्स रियली अमेजिंग। तो हमने बेसिसिटी कर ली, नेमिंग कर ली, अब क्या कहानी बाकी है, अब कहानी बाकी है हमारी, सभी का नाम एक बार चेक कर लो, सभी का नाम एक बार चेक कर लो, सभी का नाम एक बार आप चेक कर लो। जरा देखो, ये देखो यहां पर H3PO2, नेमिंग सिखा चुका हूं, क्या लिखेंगे, हाइपोफोस्फोरस एसिड, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर वाले में सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, प्लस का 4, इसके लिए अपने क्या लिखा, हाइपो। ठीक है, सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और सिंगल फॉस्फोरस में लिखा हमने ऑर्थो। सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक कैटेगरी, अलग अलग, इसमें अलग कंपैरिजन करना है और उसमें अलग कंपैरिजन करना है। ये फॉस्फोरस वाले हैं, फॉस्फोरस वाले में अलग कंपैरिजन होगा, फॉस्फोरिक वाले में अलग कंपैरिजन होगा। सिखा चुका हूं, फिर मत कहना कि बताया नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मजा आया ना, मजा आया ना। तो यहां पर बस यही है, ठीक है, हाईएस्ट सिंगल वाला ऑर्थो, हाईएस्ट डबल वाला पायरो, हाईएस्ट सिंगल वाला ऑर्थो, हाईएस्ट डबल वाला पायरो, याद हो गया होगा। मजा आया, मजा आया ना, चीट कोड इसी का नाम है। और आप ईमानदारी से बोल रहा हूं, जिसका बड़ा है ना दिल, वो शेयर जरूर करना, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप शेयर करोगे, लाइक जरूर करना, लाइक करोगे तब मजा आएगा। चलो अब हम बात करते हैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ की, लास्ट टॉपिक जिस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट दी एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का कैलकुलेट नहीं करना, उसका ऑर्डर क्या होएगा। यहां पर ज्यादातर बच्चों के मिथ है, ज्यादातर बच्चे यहां पर मिथ में है, और ज्यादातर बच्चों को यहां समझ में नहीं आती कि एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने का यहां पर तरीका क्या है। आप लोग सोचोगे कि आप लोगों ने, ऐसे ज्यादा लोगों ने ट्रिक बना रखी होगी कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, ऐसी ट्रिक बना रखी है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। गलत, रोंगा, रोंगा, इट्स रोंगा, इट्स रोंगा, इट्स रोंगा, मतलब वो गलत है, गलत है, गलत है। ये ट्रिक कहां पे काम नहीं करती, ये ट्रिक फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में काम नहीं करती। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो आप ट्रिक याद करके बैठे हो वो यहां पे काम नहीं करेगी, समझ में आता है। तो यहां पे क्या काम करेगा, आई विल टेल यू। सबसे पहले तो आप जरा समझो, अगर वाकई में अगर आप ऑर्डर याद करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूं कि आप जो ऑर्डर सोच रहे हो उसका जस्ट उल्टा ऑर्डर है। अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूं H3PO4, H3PO3 और H3PO2 के अंदर, तो आप लोग याद करोगे H3PO4 को सबसे ज्यादा और H3PO2 का सबसे कम, ऐसे याद करोगे, लेकिन वो गलत है। असली ऑर्डर ये जो सामने बना हुआ है, अब आप लोग भुचक्के रह जाओगे और ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं। नाउ दिस इज द रियल थिंग यू हैव टू फोकस ऑन, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H3PO2, H3PO3, H3PO4 इज जस्ट अपोजिट जो आप सोच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आप सोच रहे हो उसका जस्ट उल्टा करना था। अब ऐसा क्यों हुआ, तो पहले तो आप लोग नोट डाउन करो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है H3PO2, H3PO3, H3PO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ जस्ट अपोजिट है जो आप सोच रहे हो, वो सिर्फ यहीं पे है क्योंकि एक्सेप्शन है। अब ऐसा क्यों हुआ, आई विल टेल यू, ऐसा क्यों हुआ कि H3PO2 इसके अंदर सबसे ज्यादा एसिडिक कैसे हो गई। भाई H3PO2 सबसे ज्यादा एसिडिक कैसे हो गई, H3PO4 सबसे कम क्यों है, जबकि अगर मैं यहां पर बोलूं ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है, कितनी है, प्लस का 5, यहां पर कितनी है, प्लस का 3, और यहां पर कितनी है, प्लस का 1। तुम जो सोच रहे हो उसका जस्ट उल्टा है, ओ माय गॉड। तो ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक, लॉजिक कमिंग हियर। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है,
एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ पीके वैल्यू से निकाली जाती है, और उस हिसाब से तो यही ऑर्डर निकल के आया। तो उसको थ्योरेटिकली प्रूव भी तो करना पड़ेगा, मैं करूंगा, मैं किस लिए हूं, तो किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना, आई विल टेल यू दी ओवरऑल रीजन। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि चलो H3PO2 को बनाओ, तो H3PO2 को कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर तो आप बना के आए हो, एक फॉस्फोरस लिया, उसमें डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा दिया, एक OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है, और यहां से समझना एक हाइड्रोजन लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहां लगा दिया। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब अगर मैं कहूं आपसे कि इस हाइड्रोजन को हटा दो, हटाओ, तो अगर आपने इस हाइड्रोजन हटाया तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा, यस और नो? इस ऑक्सीजन पे माइनस का साइन आएगा। अच्छा, अब इस माइनस के साइन को यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कौन बैठा है? ये ऑक्सीजन। ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन उनको कैरी कर सकती है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, हाई है, तो क्या करेगी ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी। ध्यान से समझना, यस। तो यहां पर सिर्फ इसको, इस नेगेटिव साइन को संभालने के लिए, एक नेगेटिव साइन को संभालने के लिए एक ही डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन है। समझो, नेगेटिव साइन कितने हैं? 1। डबल बॉन्ड की ऑक्सीजन कितनी है? 1। ये उसको संभाल लेगी, एक को संभाल सकता। तुम, हम लोग एक ही शादी करते हैं क्योंकि हम लोग भाई एक ही बीवी संभाल सकते हैं। समझ में आ गया? तुम एक ही शादी करोगे तो एक को संभाल सकता है। आप आ जाओ यहां पर, इसका मतलब क्या होगा? H3PO2 के अंदर एक नेगेटिव साइन के लिए, एक नेगेटिव साइन को संभालने के लिए एक डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन है जो उसको संभाल लेगी, जो अपनी तरफ खींच लेगी। लेकिन अगर आप बात करें H3PO3 में, तो आप जरा देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे। आपने एक फॉस्फोरस लिया, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगाया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये आपके पास एक ऑक्सीजन हो गया, ये एक हाइड्रोजन हो गया, और ये हाइड्रोजन डायरेक्टली लगाओगे, यही स्ट्रक्चर होती है। अब आप हाइड्रोजन हटाओ, अगर आपने ये हाइड्रोजन हटा दिया तो इस पे क्या आएगा? माइनस का साइन। अगर आपने ये हाइड्रोजन हटा दिया तो इस पे क्या आएगा? माइनस का साइन। अब आप लोग मुझे बताओ कि माइनस के साइन कितने हैं? माइनस के साइन है बेटा 2। अच्छा, आप ये बताओ कि मुझे ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन कितनी है? वो है 1। अब भाई साहब, पति 1 है, पत्नी 2 है, कैसे संभालेगा वो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। या फिर कहें कि किसी पापा के 2 बच्चे हैं, दिक्कत होती ना संभालने में। अब पापा 1 हैं, बच्चे 2 हैं, कैसे संभालेंगे? दिक्कत होगी। तो इसका मतलब यहां पर संभालने में दिक्कत है, इसका मतलब ये लेस एसिडिक है क्योंकि वो नेगेटिव साइन को संभाल नहीं पा रहा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर पति साहब 1 हैं, पत्नियां 2 हैं, संभालने में दिक्कत होगी। आगे चले जाओ, और भी दिक्कत है। H3PO4 की बात करें तो यहां पर स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे, एक फॉस्फोरस, 2, एक ऑक्सीजन, यहां पर एक OH ग्रुप, यहां पर एक OH ग्रुप, और यहां पर एक OH ग्रुप। अब आप हाइड्रोजन हटाओ, ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसमें माइनस का साइन, ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसमें माइनस का साइन, ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो इसमें माइनस का साइन। मैं आपको कहता हूं कि बताओ माइनस का साइन कितना है? माइनस का साइन है 3। पति साहब कितने हैं? मात्र 1। अब किसी भाई की 3 बीवियों से शादी करा दोगे तो मरेगा ना अगला वो, तो इसीलिए हमारे कहते हैं भैया एक ही से शादी करो, बहुत है। समझ में आ गया? यहाँ पर और अनस्टेबिलिटी है तो वो संभाल नहीं पाएगी, तो ये एसिडिक नेचर इसकी बहुत कम होती है, इसकी एसिडिक नेचर बहुत कम होती है, दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। यहां पर माइनस आई इफेक्ट दिखाने वाला मात्र एक ऑक्सीजन है जबकि नेगेटिव साइन 3-3 है। ओ माई गॉड, समझ में आ गया? तो यहां पर पापा 1 है, बच्चे 3 है, तो वो ज्यादा शरारत करेंगे। जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत नहीं करता था, मैं छोटी शरारत करता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं तो छोटी छोटी शरारत करता हूं। तो ओवरऑल ये सीन है कि यहां पर अगर मैं पूछूं अब ऑर्डर क्या है, ये अब तो आपको कितना जिस चीज को समझ में आया, वाकई में यार आज नई चीज सीखने को मिली। तो फाइनली ऑर्डर क्या होएगा? फाइनली द ऑर्डर इज बेसिकली, आई विल टेल यू द फाइनल ऑर्डर। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ऑर्डर क्या होएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा H2PO2, यही है, H2PO2 थे था, हाँ H3PO2, सॉरी कंपैरिजन वहां पर हो रहा है H3PO2, फिर हो रहा है H3PO3, ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर आएगा किसका नंबर? H3PO3, और उसके उससे भी कम कौन होएगा? H3PO4, उसके माथे पे लगा दिया, समझ में आया? तो H3PO2, फिर H3PO3 और फिर H3PO4, और ये बहुत कम बच्चों को पता है कि आप जो यहां पर सोचते हो, आप जो सोच रहे हो वो है ही नहीं, व्हाटएवर यू आर थिंकिंग नहीं है यहां पे,
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया क्या? तो ये लॉजिक, ये लॉजिक है, ये रीजन है, अब आपको क्लैरिटी होगी होगी कि ये कैसे होता है। बहुत बहुत बधाई हो यार, इस सेशन को आप लोगों ने कमाल तरीके से देखा, कमाल तरीके से समझा। 1200 बच्चे अभी तक लाइक कर चुके हैं, मुझे पता है नॉलेज को आप लोग बहुत पसंद करते हो, शेयर करो। मेन बात यह है कि जब तक आप शेयर नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। चलो थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो आपसे सवाल पूछा जाते जाते, मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ H3PO3 की स्ट्रक्चर बनाओ, फटाफट से स्ट्रक्चर बनाओ, ये आपके लिए घर के लिए काम दे रखा, तो मैं जल्दी से करके दिखा देता हूं। अगर मैं बोलूं कि चलो H3PO3 की स्ट्रक्चर बना के बताओ, कैसे बनाओगे? नाम भी लिखो और बेसिसिटी बताओ। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए देखो H3PO3 एक ही फॉस्फोरस है, तो एक यूनिट तो मेरे लिए फिक्स हो गई, कौन से वाली? HPO2, ये तो फिक्स हो गई। अब पीछे क्या बचेगा? दो हाइड्रोजन बचेंगे, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। तो कैसे लगाओगे? तो एक ऑक्सीजन तो मैंने क्या करा, हाइड्रोजन के साथ लगा दिया, एक हाइड्रोजन डायरेक्टली लगा दिया। अब बेसिसिटी निकालो, ये तो स्ट्रक्चर हो गई, बेसिसिटी कैसे निकलेगी? दो। क्यों? क्योंकि यहां पर OH ग्रुप कितने हैं? दो। अब मैं कहूं कि फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो तीन दूनी छह में से तीन गया तीन, तो ये है प्लस का तीन। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्लस का तीन का मतलब क्या हो गया? ये तीन या तीन से कम है, और एक ही फॉस्फोरस है और हाइएस्ट है, तो क्या लिखोगे? ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। देखो नाम भी याद हो गया, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड इसका नाम हो गया। बताओ क्या ये हार्ड है? फटाफट से मैंने कर दिया। चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि H4P2O6 के लिए करो। H4P2O6 की पहले स्ट्रक्चर बनानी है, तो दो बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी होंगी? मैं ये तो कॉमनली बनाऊंगा, एक फॉस्फोरस लिया, एक ऑक्सीजन लिया, एक OH लिखा और एक H लिखा। इसकी मिरर इमेज बनाओ जल्दी सी, एक फॉस्फोरस लिया, एक ऑक्सीजन लिया, एक O लिया और एक H लिया, सही है। अब आप मुझे बताओ, आपने जब दो फॉस्फोरस निकाल दिए, दो हाइड्रोजन निकाल दिए, तो दो हाइड्रोजन बचे, ऑक्सीजन कितनी निकाली है? चार, तो दो ऑक्सीजन बच गई, तो OH ग्रुप बच रहे हैं, तो यहां पर मैं एक OH डायरेक्टली इसको लगाऊंगा, नाराज नहीं करूंगा, एक OH इसको दे दूंगा और फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस बॉन्ड बना दूंगा। ये स्ट्रक्चर हो गई। अब मैं कहूं चलो बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी कितनी होगी? तो बेसिसिटी देखो, ये OH, ये OH, ये OH और ये OH, चार बेसिसिटी हो गई, चार बेसिसिटी होगी। अब मैं पूछूं नाम बताओ, तो देखो छह दुनी बारह, बारह में से चार गए, तो प्लस का चार है बेटा, ये प्लस का चार के केस में, क्योंकि ये लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट थी, प्लस का फोर, प्लस का फाइव, प्लस का फाइव, तो लीस्ट थी, तो क्या लिखोगे? हाइपो। तो हाइपो साथ में क्या लिखोगे? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। देखो जिसने लेक्चर ध्यान से देखा है ना, वो तो कहीं छोड़ेगा ही नहीं सवाल को, चुटकियों में कर देगा। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड नाम है इसका। अब जिसने नॉलेज अच्छे से ली है ना, वो इसको छोड़ेगा ही नहीं। अब आ जाओ आगे, इसका लिख के बताओ। चलो इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, एक फॉस्फोरस लिया, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन लगा दिया, एक ऑक्सीजन को मैंने ऐसे लगा दिया। अब इसके बाद में आपके पास क्या बच गया? अगर आपने दो ऑक्सीजन निकाल दी, दो ऑक्सीजन बच गई, दो हाइड्रोजन बच गए, तो उसको कैसे लगाओगे? OH और OH। बेसिसिटी पूछूं तो कितनी आएगी? तीन। नाम क्या होएगा? यहां पर प्लस का पांच है ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि सिंगल में हाईएस्ट है। H3PO4 चार दुनिया आठ, प्लस का पांच, सिंगल में हाईएस्ट है, तो सिंगल में हाईएस्ट के लिए क्या लिखते हो? ऑर्थो, और साथ में क्या लिखते हो? फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। ये लो, मैंने फटाफट से सवाल कर दिया, मेरे को ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, मेरी सारी चीजें सही भी हैं, बल्ले बल्ले हो गई, शामा शामा हो गई। अब इसी तेजी से आपको कोई भी नहीं करा सकता। अगर आप लोगों को वाकई में मजा आया हो और लगा हो कि यार नई चीज सीखने को मिली है, 1200 बच्चे लाइक कर चुके हैं, अब तक अगर आपने नहीं किया है तो मजा नहीं आएगा। गाइज ओवर, चीट कोड का ये एक और सेशन हम लोगों ने मजेदार तरीके से खत्म कर लिया। आई थिंक